This is Kushi Tomar from class 12. As recently I have given my maths board examination और वो मेरा maths का exam काफ़ी अच्छा गया। जो सर ने questions PPT में कराए थे ज़्यादातर वही questions मेरे exam में भी आए थे। उन्होंने मेरी काफ़ी help की। जो weekly test होते थे यहाँ पे अभिलाषा classes पर उन्होंने काफ़ी help की। उनमें जो मैं mistake करती थी मैंने उनको analyze किया और improve किया। और at the last जो mega test series हुई थी वो पूरे board exam pattern के हिसाब से हुई थी, तो उसने भी काफ़ी हद तक help की। तो at the last I would say thank you PS sir and Abhilasha class team. Hello everyone, my name is Sehgal Rajawat and I am in class 12. And recently मैंने अभी अपना maths का examination दिया of CBSE board and वो काफी अच्छा गया। And for that I would like to deliver my sincere thanks to Abhilasha classes and to PS sir. The best thing here is the experience. PS sir इतने experience है that उन्होंने हमें class में बता दिए थे कि that these questions will be in the paper and they were actually in the paper. And the other thing which I liked that the daily quiz and the weekend the tests which were conducted and also the mock test in the end जो हमने ढाई घंटे में solve किए, not in 3 hours, जिससे हमें time management करने में help मिली and all the questions जो थे मेरे से सारे मिल गए थे. So I would like to deliver my sincere thanks to Abhilasha classes and thank you. Second, my name is Ashutosh Singh Tomar. Recently, I have given board examination of class 12. मेरा मैथ्स का एग्जाम काफी अच्छा गया और मैथ्स का एग्जाम मेरा इसलिए अच्छा गया क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आए थे जो कि मैंने कोचिंग में कर रखे थे. इसके लिए मैं थैंकफुल हूँ पीएस सर और अभिलाषा क्लासेस के लिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस एज इट इज पीपीटी में थे वैसे ही क्वेश्चंस बोर्ड में आए थे. और मॉक टेस्ट जो कि मैंने 3 घंटे में करने के लिए उसकी काफी प्रैक्टिस हो गई थी, इसकी वजह से मैं अच्छे से बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ्स का पेपर सॉल्व कर पाया. इसके लिए थैंक यू. Hello everybody, this is Akanksha Singh Tomar. I have recently appeared for board examination 2023 and I am extremely glad to tell you that I decided to join NDA Abhilasha as each and every question in examination was from PPT, either NCRT or from booklet, and the weekly test conducted helped me a lot. It helped me to manage my time as well as how to write efficiently and avoid mistakes. Even the MCQ session conducted after every class was very helpful as it helped me to do MCQs based question and assertion reasoning questions. And I am very thankful to PS sir as well as team Abhilasha. Thank you. Hello everyone, myself Manjeet Singh Gurjar. और कल मेरा मैथ्स का एग्जाम था जो कि बहुत अच्छा गया है और जिसको मैं पीएसओ को थैंकफुल करना चाहूँगा. जिसके लिए मेरे जो एग्जाम था उसमें जो क्वेश्चंस थे वो मेरे पहले से ही पढ़े हुए थे क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पीएसओ ने मेरे को बहुत प्रैक्टिस कराई थी. उनके जो संडे टू संडे वीकली टेस्ट हुआ करते थे उन्होंने मेरे को बहुत हेल्प करी और मैंने जो अपना एग्जाम था वो हाफ एंड आवर पहले ही कम्प्लीट कर लिया था. जो क्वेश्चंस थे वो बहुत ईजी थे लेकिन फिर जब एग्जाम ओवर हुआ मैं बाहर आके अपने दोस्तों से मिला, मैंने उनसे बात की कि तुम्हारा एग्जाम कैसा गया, क्या हुआ. हालांकि वो यहाँ पे नहीं पढ़ते थे तो उन्होंने मेरे को बताया कि पेपर बहुत टफ था लेकिन फिर मैंने उनको बताया नहीं पेपर टफ नहीं था, क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो पहले ही पढ़े हुए थे. उन्होंने बोला नहीं हमने तो ऐसे क्वेश्चंस कभी देखे नहीं. तो मैंने उनको बताया कि नहीं मैं पीएसएल को कोचिंग जाता हूँ, उन्होंने जो क्वेश्चंस कराए थे उनके जो पीपीटी के क्वेश्चंस थे जो उनके डेली टेस्ट के क्वेश्चंस थे वही क्वेश्चंस थे, बस वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज थी और पेपर बहुत ईजी था तो मेरा पेपर बहुत अच्छा गया है. हेलो एवरीवन, माय नेम इज यशोधर सिंह राजावत. कल मेरा मैथ्स का पेपर था, पेपर वाज टू इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक पीएसएल एंड टीम जिन्हें हमारे पूरे साल इतनी हेल्प करी. सर ने लास्ट तक क्लासेस चालू रखी. पेपर का लेवल काफ़ी सिंपल था, बुकलेट से क्वेश्चंस काफ़ी फंसे और इजी लेवल था, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसे. बाकी सॉल्व पेपर जो हमें सर ने सॉल्व करवाए थे टेस्ट सीरीज को काफ़ी हेल्पफुल मिली. क्वेश्चंस बहुत सारे फंसे उसमें से, लाइक कैसे बेसिस स्टडी उन्हीं चैप्टर से फंसी जिनसे टेस्ट सीरीज और सॉल्व पेपर्स में बोली थी सर ने वहाँ से फंसेगी. और 5 मार्कर क्वेश्चन भी मोस्टली उन्हीं चैप्टर से आए जिन चैप्टर से सर ने बोला था. थैंक यू सर. हेलो एवरीवन, आई एम आशीष द्विवेदी और मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ और मैंने अभी फ़िलहाल ही अपना मैथ का एग्ज़ाम दिया है जो कि बहुत ही मेरे लिए तो सिंपल था क्योंकि जो हमारे पीएस सर हैं वो इतने क्वेश्चन करा देते हैं क्लास में ही कि जो क्वेश्चन आते हैं बोर्ड्स में वो भी हमें सिंपल लगते हैं. और अगर बात की जाए बोर्ड के एग्ज़ाम की तो मोर देन 70% जो बोर्ड में क्वेश्चन थे वो तो ऐसे थे कि मैं आपको अपनी नोटबुक में दिखा सकता हूँ जो पीएसएल ने खुद कराए थे
और जो 30% बाकी का बचा हुआ क्वेश्चन पेपर था वो भी सर के बेस्ट पीपीटी जो सर कराते हैं हमें क्लास में डेली पीपीटी कराते हैं और उनकी बुकलेट है जिसमें हर एक चैप्टर में मोर देन 200 क्वेश्चंस रहते हैं और वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं ना केवल बोर्ड एग्जाम के लिए बल्कि वो आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं हमारे।